हेलो स्टूडेंट, सितंबर गया, अक्टूबर गया और अब नवंबर भी जाने वाला है। ऐसे में बोर्ड परीक्षा वाले बच्चों के माइंड में एक सवाल उठ रहा होगा कि जो बचे हुए 2 मंथ हैं, अर्थात 60 दिन हैं, उसमें पढ़कर हम बोर्ड परीक्षा में 90% मार्क या इससे अधिक मार्क कैसे लाएं। तो स्टूडेंट, आपको पता है कि बोर्ड परीक्षा जो है ये फरवरी के महीने से होने वाली है, तो आपके पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं। एक महीना है दिसंबर और दूसरा है बच्चों जनवरी, ठीक है। 2 महीने आपके पास बचे हैं। अब आपके माइंड में ये सवाल उठ रहा होगा कि इन्हीं 2 महीनों में हम किस प्रकार से पढ़ें जिससे हमारे बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क आएं। तो स्टूडेंट, मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा, 5 ऐसे टिप्स बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क अचीव कर सकते हैं। 5ों टिप्स आपके सामने हैं, तो मैं एक एक करके इन टिप्स को बताऊंगा। तो इस वीडियो को स्टूडेंट लास्ट तक देखते रहना। अगर आपको भी बचे हुए 60 दिनों में अच्छे से तैयारी करना है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क ला सकें। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट, टिप्स की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो टिप्स है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और ये हर टॉपर ये काम करता है, तभी वो बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क लाता है। ये टिप्स क्या है स्टूडेंट, किसी भी टॉपर की वीडियो अगर आप देखेंगे तो वो इसका नाम जरूर लेता है। अगर आपने अभी टाइम टेबल अपना नहीं बनाया है तो उसे आप बना लीजिए, क्योंकि बिना टाइम टेबल के आप बोर्ड एग्जाम में 90% मार्क नहीं ला सकते हैं, ठीक है। क्योंकि टाइम टेबल इज द मस्ट, टाइम टेबल मस्ट है आपके लिए। अब इसमें टाइम टेबल बनाना ही सिर्फ आपको नहीं कि बनाकर रख दीजिए, उसको टाइम देना है। जैसे मान लीजिए आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, 5 सब्जेक्ट हैं। इसमें से हम लोग फिजिक्स को मान लेते हैं, केमिस्ट्री को मान लेते हैं, हिंदी को, इंग्लिश को, और मान लीजिए मैथ है या बायोलॉजी है, ठीक है, तो बायोलॉजी को मान लेते हैं। तो स्टूडेंट, अब आपको क्या करना है, 5ों सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना है। अगर आप इसको 2 घंटे देते हैं तो आपको 2-2 घंटे सभी को देना है, क्योंकि ये सभी जो हैं आपके सब्जेक्ट, ये सभी का मार्क बराबर होता है। जितने मार्क का ये आएगा उतने ही मार्क का सभी पूछा जाता है। तो किसी भी सब्जेक्ट को आप हल्के में मत लीजिएगा, सभी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िएगा। तो टाइम टेबल बनाने का मेरा यही लक्ष्य है कि टाइम टेबल अगर आप बनाइए तो उसमें आप उस टाइम टेबल को फॉलो कीजिए। बनाने को तो बहुत सारे बच्चे बना सकते हैं, बनाकर रख देंगे, लेकिन उसको फॉलो करना भी एक कला है। आपको फॉलो भी करना है टाइम टेबल को, ठीक है, तभी आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क ला पाएंगे। तो बच्चों, ये तो था आपका फर्स्ट टिप्स। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड टिप्स क्या है, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क लाना है। तो देखिये, सेकेंड टिप्स भी आपके सामने है, अनसॉल्व पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जो प्रैक्टिस सेट्स आते हैं उनको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि स्टूडेंट, 2 महीने आपके बोर्ड एग्जाम के बचे हैं, तो अगर आप अब नहीं सॉल्व करेंगे अनसॉल्व पेपर, जो अनसॉल्व पेपर आपके वो मार्केट्स में आ चुकी होंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो पहले के क्वेश्चन पेपर है 2019-18 के, उनको अब नहीं सॉल्व करेंगे तो कब करेंगे। तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने अनसॉल्व पेपर नहीं खरीदा तो खरीद लीजिए और इसको लगातार प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो ये है आपका सेकेंड टिप्स। अनसॉल्व पेपर में आपको क्या होता है स्टूडेंट, आपका पैटर्न पूरा पता हो जाता है कि मेरा पेपर किस प्रकार से आएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होता है स्टूडेंट, इसमें से कई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इन दोनों को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क लाना है। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अनसॉल्व पेपर की और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की। तो ये था बच्चों आपका दूसरा टिप्स, इसको भी आपको फॉलो करना है, ठीक है। अनसॉल्व पेपर आपको जरूर खरीदना है ताकि आप लोग की प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उन एक एक क्वेश्चंस को आपको लगाना है अच्छे से ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। तो ये तो था स्टूडेंट आपका सेकंड टिप्स, जिससे फॉलो करके आप बचे हुए 60 दिनों में पढ़कर ला सकते हैं बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क। तो सेकंड टिप्स के बाद आता है हमारा थर्ड टिप्स। मैंने आपको बताया 5 टिप्स मैं आपको बताऊंगा, तो थर्ड टिप्स भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने आपको एक एडवाइस दिया है, जैसे देखिए, अगर आपकी राइटिंग यानी कि लिखावट अच्छी नहीं है तो अभी भी समय है, आपको सुधार लेना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो इसको भी सुधार लीजिए, क्योंकि राइटिंग का जो है बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा महत्व है। राइटिंग अगर आपकी अच्छी नहीं है तो बोर्ड एग्जाम का जो एग्जामिनर होता है उसको आपकी लिखावट समझ में नहीं आएगी अगर, तो वो कैसे आपको मार्क देगा।
तो अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप क्या कीजिए, राइटिंग को सुधारने के लिए आप पर डे एक दो पेज लिखिए, जिससे आपकी राइटिंग अच्छी होगी और बोर्ड एग्जाम में भी आप अच्छा लिखेंगे, इससे आपके 5-10 मार्क आसानी से बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो राइटिंग का भी परसेंटेज में काफी अधिक महत्व होता है बोर्ड एग्जाम में। राइटिंग सुधारने के कुछ तरीके अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इस पर भी एक पार्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि मतलब राइटिंग अगर आपको सुधारना है तो आप लोग लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपकी राइटिंग सुधरेगी। तो ये तो था स्टूडेंट थर्ड, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सुधार लीजिए, ये आपके हमेशा काम आने वाला है। तो तीसरा स्टेप भी, यानी कि तीसरा टिप भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने चौथे टिप्स की ओर। ठीक है, तो ये सब टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो दिसंबर और जनवरी दो महीने आपके पास बचे हुए हैं, दोनों महीने में आप तैयारी करके भी बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क ला सकते हैं, क्योंकि अभ्यास करेंगे तभी मार्क आएगा। तो हमारा चौथा टिप्स अभ्यास पर ही है। तो देखिए क्या है स्टूडेंट, आपको नियमित अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस जरूर करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है की पॉइंट की प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस, यानी कि जो अभ्यास है वो सफलता की कुंजी है। आपको अभ्यास करना है तभी आप सफल होंगे। जो फॉल आपका नहीं लग रहा है उसको आप बार बार अभ्यास कीजिए, क्योंकि करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान और रसरी आवत जात है सिलपल परत निशान, यानी कि जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही ज्यादा स्टूडेंट आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क आएगा। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट चौथा टिप्स, जिससे आप लोग नियमित अभ्यास कीजिए। अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आता है उसको सॉल्व कीजिए, जहां तक आपका हो सके वहां तक आप उससे प्रैक्टिस कीजिए सॉल्व करने का। ठीक है, और प्रैक्टिस मस्ट है। तो ये था स्टूडेंट आपका चौथा टिप्स, तो प्रैक्टिस करते रहिए, सभी सब्जेक्ट के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब चलिए स्टूडेंट हम देखते हैं अपना लास्ट और पांचवा टिप्स, जिसको फॉलो करना है आपको, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट टिप्स है। देखिए क्या है, सभी विषयों को पढ़ने के बाद उनका पुनः रिवीजन अवश्य करें, यानी कि पांचवा टिप्स है, आप जब आप सभी विषयों को पढ़ लें तो उनका पुनः रिवीजन एक बार रिवाइज जरूर करें, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे चाहे जितना आप पढ़ लेंगे तो बाद में भूल सकते हैं या भूल जाएंगे। ठीक है, ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला। तो आप लोग जब किसी भी सब्जेक्ट को पढ़िए तो उसको घर पर आकर रिवाइज कीजिए, अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तब भी घर पर आकर रिवाइज कीजिए, घर पर पढ़ रहे हैं तब भी 2-4 घंटे बाद या अगले दिन रिवाइज जरूर कीजिए, क्योंकि रिवाइज जो है रिवीजन मस्ट है आप लोगों के लिए। रिवीजन करेंगे तो जो आपके माइंड में है थोड़ा बहुत वो फिर से जागृत हो जाएगा और आप उस टॉपिक को आसानी से समझ जाएंगे। तो ये था स्टूडेंट आपका पांचवा टिप्स और लास्ट टिप्स। तो ये पांचों टिप्स आपको फॉलो करने हैं अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क लाने हैं तो। तो स्टूडेंट ये टिप्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में जो बचे हुए 60 दिन है उनमें अच्छे मार्क लाने के लिए इन पांचों टिप्स को आप लोग फॉलो कीजिएगा। ठीक है, और वैसे तो स्टूडेंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, उसके जो वीडियोस हैं वो मेरे चैनल पर लगातार अपलोड होते रहते हैं, अगर आप क्लास 12 में हैं तो इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे स्टूडेंट पांच टिप्स, जो आई होप कि आपको ये पसंद आए होंगे। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये टिप्स पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बस इतनी सी आशा है। थैंक यू स्टूडेंट, आप लोग तैयारी करते रहिए, ऐसे टिप्स को फॉलो कीजिए,